गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है शिवम। वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। सो फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारा न्यू वीडियो आ चुका है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। तो आज का जो हमारा न्यू अपडेट है, जो न्यू वीडियो आज आया है, वो न्यू अपडेट के साथ आया है। आपको पता होगा हर मंथ पैम ऐप न्यू अपडेट लाया करता है। जो इस बार न्यू अपडेट आया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है उन लोगों के लिए जो एडल्ट हो चुके हैं, 18 प्लस हो चुके हैं। काफ़ी हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि ये अपडेट क्यों आया है। पहले फैम ऐप की जो टर्म एंड कंडीशन थी कि सिर्फ टीनेजर्स या फिर अंडर 18 वाले बच्चे ही इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते थे। अगर आप एडल्ट हो चुके हैं तो आप इस एप्लीकेशन का यूज़ नहीं कर सकते थे। बट जब से ये न्यू अपडेट आया जिसका नाम है फैम ऐप UPI 2.0, तो इस अपडेट के बाद अगर आप एडल्ट हो चुके हैं, 18 प्लस हो चुके हैं, तब भी आप अपने बैंक अकाउंट को काफ़ी ईजी तरीके से इस एप्लीकेशन में ऐड करके आप भी पेमेंट कर सकते हैं। तो एडल्ट या फिर 18 प्लस वालों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। सो इसका नाम UPI 2.0 है। आज के इस वीडियो में बताऊंगा अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप इसमें कैसे लिंक कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़, पहले जो फैम ऐप था वो एक वॉलेट की तरह वर्क करता था, मतलब इसमें किसी टाइप का बैंक अकाउंट नहीं था। मतलब बिना बैंक अकाउंट ऐड किए एक वॉलेट की तरह पेमेंट कर सकते थे, वॉलेट में पैसे ऐड करते थे, उसके बाद काफ़ी UPI की तरफ से पेमेंट करते थे। बट जब से न्यू अपडेट आया है, अब आपका जो भी मनी होगा वो आप अपने वॉलेट के साथ साथ बैंक अकाउंट से भी कटवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप 18 प्लस हैं, अगर अंडर 18 दोनों लोग इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है, कैसे UPI 2.0 का बेनिफिट उठाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जैसे ही फैम ऐप को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पॉपअप शो होगा। अगर आप में पॉपअप शो नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या होगा, सिंपली से फैम ऐप को अपडेट कर लीजिएगा, आपके फ़ोन में भी ये पॉपअप शो होने लगेगा। सिंपली से प्रोसीड करेंगे, आपके इस नंबर से अगर बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, मतलब वो वाला बैंक इस नंबर से दूसरे बैंक से, तो भी आप अपने सिम को इसमें क्या कर सकते, उस पर्टिकुलर सिम को सिलेक्ट करके आप प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपका मैसेज आएगा, वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो भी बैंक अकाउंट है आपको सर्च करना होगा कि कौन सा बैंक अकाउंट इस नंबर से लिंक है। आपको उस बैंक अकाउंट को यहाँ पर लिंक करना होगा। लिंक करने के बाद आपके पास टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, जैसे मेरे पास आया टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। बैंक ऐड करने के बाद आप अपने UPI के थ्रू पेमेंट करके देखिएगा, आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। एक वॉलेट से कटने का ऑप्शन आएगा, जैसे पेटीएम वगैरह में नहीं होता है कि बैंक अकाउंट का भी ऑप्शन होता है, उसके अलावा पेटीएम UPI लाइट का ऑप्शन होता है। सेम UPI लाइट की तरह UPI 2.0 है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो ज़रा सा यूज़फुल लगा। यूज़फुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो बाय।